और मैं नहीं कह रहा, आम जनता ये कह रही है कि वो ठाट नहीं है जो चौधरी देवीलाल जी करा रहे। 5100 की पेंशन की बात थी या तमाम और मुद्दे थे, वो पूरे हो जाने चाहिए थे। अब अगर उसमें विलंब है तो फिर कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि दुष्यंत की कलम में ताकत अभी कम है। हुड्डा जी का जो इलाकावाद की जो सोच रही उसको लोग अभी तक भूले नहीं है। 20-25-30-50 लोग एक यात्रा कर रहे हैं, अब उसको सैर सपाटा कहें या क्या कहें, ले दे के सुबह से शाम तक दुष्यंत 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 और सिर्फ दुष्यंत नजर आता है। जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला 5100 रुपये पेंशन के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच आ गए हैं। एक दिन पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने वो ठाट न होने की बात रखने वाले दिग्विजय चौटाला ने अब प्रदेश की जनता के लिए ही कह दिया है कि चौधरी देवीलाल के समय जैसे अब हरियाणा के लोगों के ठाट नहीं है। इससे स्पष्ट है कि गठबंधन की सरकार में लोग भी ठाट से वंचित हैं। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि ये ठाट तो अब जेजेपी की बहुमत की सरकार से ही आ सकते हैं। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि फिलहाल दुष्यंत चौटाला की कलम में वो ताकत नहीं है। ये ताकत प्रदेशवासी आने वाले चुनाव में देंगे तो बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करके उनके ठाट कर दिए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो चौधरी देवीलाल जी के राज में ठाट होया करते वो ठाट, और मैं नहीं कह रहा, आम जनता ये कह रही है कि वो ठाट नहीं है जो चौधरी देवीलाल जी के राज में, यानी जो 5100 की पेंशन की बात थी या तमाम और मुद्दे थे वो पूरे हो जाने चाहिए थे। अब अगर उसमें विलंब है तो फिर कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि दुष्यंत की कलम में ताकत अभी कम है। उस ताकत को यानी उस इंक को शाही को पूरी तरह रिफिल करना चाहती है हरियाणा प्रदेश की जनता, दुष्यंत को पूरी ताकत है। इसके अलावा जो काम अभी नहीं हो सके उन्हें भी पहली कलम से पूरा किया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग इस बात को अभी तक भूले नहीं हैं। हुड्डा जी का जो इलाकावाद की जो सोच रही उसको लोग अभी तक भूले नहीं हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की पद यात्रा पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये यात्रा सैर सपाटा से ज़्यादा नहीं है, बस 40-50 लोग सैर सपाटा कर रहे हैं। 20-25-30-50 लोग एक यात्रा कर रहे हैं, अब उसको सैर सपाटा कहें या क्या कहें, ले दे के सुबह से शाम तक दुष्यंत 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 और सिर्फ दुष्यंत नजर आता है, तो उन सभी 50-60-100 लोगों को दुष्यंत फोबिया है और कुछ नहीं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बुढ़ापा पेंशन को जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा बताते हैं। उनका कहना है कि 5100 रुपये पेंशन होने से ही हमारे बुजुर्गों के ठाट हो सकते हैं। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला नलवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगों से रूबरू हो रहे थे, साथ ही संगठन को भी चाक चौबंद करते हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनावों की रूपरेखा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल और विश्व रतन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानकर जन कल्याणकारी कार्यों में लगी हुई है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि सरकार में नाम मात्र हिस्सेदारी होने के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनता से किए गए वायदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके प्रयासों से प्रदेश के काबिल युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए विधानसभा में बिल पास करवाया। उन्होंने कहा कि जब जेजेपी 46 विधायकों के साथ सत्ता में होगी तो जनता से किया गया हर वायदा पहली कलम से पूरा किया जाएगा। जेजेपी नेता ने कहा कि आज विपक्ष का हर नेता
दुष्यंत को टारगेट केवल इसलिए कर रहा है कि वे दुष्यंत चौटाला की जन लोकप्रियता से खौफ में हैं। दिग्विजय चौटाला ने अपने इस चुनावी संपर्क अभियान के दौरान यहां तक कह दिया कि अभी दुष्यंत चौटाला की कलम में पूरी शाही नहीं है। आने वाले चुनावों में जब जनता पूरी शाही उनकी कलम में भर देगी तो जनता की हर मांग भी पूरी होगी। कि जब मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यहां से सांसद थे बिहानी से, तो इन गांवों से उनका बहुत जुड़ाव था, बहुत लगाव था। वो बात तो सुनी थी मगर आज प्रत्यक्ष तौर पर उस लगाव को, उस प्यार को देखने का मौका आपके गांव में आकर के मिला है। और उस 19% वोट में जहां लोग कहते थे 2-4-5 हजार वोट आएंगे, वहां इतने टफ मुकाबले में भी 21 हजार वोट एक नए नौजवान को देने का काम किस करवा दिया। 10 सीट से सरकार नहीं बनती, 10 सीट से मुख्यमंत्री नहीं बनती। दुष्यंत जी के पास 2 रास्ते थे, कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठ जाऊं या कार्यकर्ता की 15 साल की मेहनत पर और हरियाणा के लाखों लोगों के विश्वास पर जो जेजेपी खड़ी हुई है, जो जींद में 5 बड़े वादे किए हैं, वो इन 10 सीटों की बलबूते पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनको पूरा। और मैं आपको वादा देता हूं, ये क्रांतिकारी कदम है। जब पेंशन लागू की थी चौधरी देवीलाल जी ने, तब चौधरी बंसीलाल जी ने कहा था कि देवीलाल अगर पेंशन देनी संभव होती तो मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मैं दे देता। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? मगर चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन लागू करी तो उस मॉडल को पूरे देश ने अपनाया। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम की पहाड़ियों तक, जब भी पेंशन बुजुर्ग के हाथ में जाती है तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल को याद करते हैं कि नहीं करते?